जेल में देसी घी के डिब्बे रोज आते थे। पूजा वहाँ की जेलर थी। पूजा को इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रहा था, आखिर देसी घी के डिब्बे किसके लिए आते हैं। पूजा की ड्यूटी दिन के समय होती थी और रात की ड्यूटी किसी और की थी। पूजा ने एक लेडी कांस्टेबल को पता लगाने को कहा कि मुझे 2 दिन के अंदर पता लगाकर बताओ कि ये देसी घी किस औरत को दिए जा रहे हैं और क्यों दिए जा रहे हैं। पूजा को जेल के अंदर कुछ शक हुआ था, इस वजह से उसने लेडी कांस्टेबल को पता लगाने को बोला था। पूजा के दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर रात को जेल में कैद औरतों को देसी घी क्यों दिया जा रहा है। फिर 2 दिन बाद उस कांस्टेबल ने जो पूजा को बताया उसे सुनकर तो वह दंग रह गई। उसने बताया कि देसी घी रोज़ रात को अंधेरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर से लेकर सारा स्टाफ इस बात को जानता है और आपके कार्यालय की 2-4 लोग भी इसमें शामिल हैं। अब पूजा और भी सोच में पड़ गई कि आखिर रात के अंधेरे में औरतों को देसी घी क्यों दिया जाता है, इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर पूजा ने अपनी जासूसी से कहा कि मुझे उन औरतों का नाम बताओ जो रात के अंधेरे में देसी घी खाती हैं। जासूसी ने जिन औरतों के नाम बताए उनको देखकर पूजा डर गई। वो औरतें इतनी सेहतमंद थी। पूजा ने उन औरतों से ज़्यादा पूछताछ नहीं की, कहीं उन्हें शक ना हो जाए। फिर पूजा ने अपनी ड्यूटी रात में शिफ्ट करवा ली ताकि इस राज का पता वह पूरी तरह से लगा सके। रात के 10 बजते ही पूजा ने देखा एक लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही थी। पूजा ने सोचा इसके पीछे जाकर देखती हूँ कि ये कहाँ जा रही है। जो पूजा ने देखा उसे देखकर वह सन रह गई। वो कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। अब पूजा का सिर चकराने लगा कि आखिर रात को देसी घी खिलाने की क्या ज़रूरत है। एक दिन रात के 11 बज रहे थे। जेल में चारों तरफ की लाइट बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पूजा उसकी तरफ गई जहाँ वो औरतें रात को घी खाती थी, लेकिन आज वहाँ अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रखी हुई थी। पूजा एकदम से उन पर चिल्लाई और कहा ये सब क्या चल रहा है। फिर जो नज़ारा पूजा के सामने था उसे देखकर पूजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रात वाले स्टाफ इतनी घिनौनी हरकतों में शामिल है। वही देसी घी खाने वाली औरतें सुरंग खोद रही थी। उन्होंने काफ़ी दूर तक सुरंग खोद दी थी। पता नहीं वे लोग कितने दिनों से काम कर रहे थे। वे औरतें मर्डर के जुर्म में जेल लाई गई थी और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, और अब वे औरतें यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोद रही थी। इस काम में पूजा का पूरा स्टाफ शामिल था। फिर पूजा ने सबकी कंप्लेंट कोर्ट में की और सारे स्टाफ वालों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन औरतों को दूसरी जेल में भेज दिया गया, और पूजा की ईमानदारी से खुश होकर उसे मेडल दिया गया।